मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संतोष शर्मा को धमकी भरे पत्र देने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम मीरा कदम और छोटू बागवान हैं। वहीं दोनों आरोपी संतोष शर्मा के करीबी बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुई है। आपको बता दें, 12 जुलाई को संतोष शर्मा ने तूकोगंज थाने में शिकायत की थी कि उनके घर बुर्का पहनी एक महिला ने धमकी भरी चिट्ठी पहुंचाई है। हालांकि बुर्का पहनी महिला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। वहीं जांच के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पुलिस को पता चला कि संतोष शर्मा के घर धमकी भरा पत्र देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा कदम ही थी। फिलहाल तूकोगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उस पत्र में कुछ लाइन उर्दू में लिखी हुई थी, साथ ही हिंदी में भी कुछ शब्द लिखे हुए थे। पत्र में लिखा था, इन लाइनों को पढ़ लेना, तुझे सब समझ आ जाएगा, अब तू नहीं बचेगा। पत्र मिलने के बाद संतोष ने पूरे मामले की जानकारी तूकोगंज पुलिस को दी थी।